हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड बोर्ड की क्लास 8 और 9th स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, रिजल्ट डेट जारी हो गया है। जी हां दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आपका रिजल्ट को लेकर अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, आपका रिजल्ट डेट जारी हो गया है। अभी अभी झारखंड बोर्ड ने सूचना जारी किया है कि आपका रिजल्ट जल्द ही जारी करेगी। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, झारखंड बोर्ड के सचिव द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया है कि झारखंड बोर्ड के क्लास 8 और 9th परीक्षा में लगभग 9 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पूरा देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन की वजह से रिजल्ट में इतनी देरी हो रही है, लेकिन अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। लॉकडाउन खत्म होते ही आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। रिजल्ट पूरी तरह से तैयार है, रिजल्ट 14 अप्रैल के बाद कभी भी जारी कर दिया जाएगा। झारखंड बोर्ड के क्लास 8 और 9th का रिजल्ट 14 अप्रैल और 20 अप्रैल के बीच किसी भी दिन जारी कर सकता है। साथ ही यह भी बताया है कि झारखंड बोर्ड के 8वीं बोर्ड में इस वर्ष कंपार्टमेंटल की परीक्षा होगी, जो कि क्लास 8 के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कंपार्टमेंटल की परीक्षा गर्मी की छुट्टी के अवकाश में लिया जाएगी। जो परीक्षार्थी 8वीं बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाते हैं, फेल अभ्यर्थी कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठ सकते हैं। साथ ही 9वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि 9वीं बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष कंपार्टमेंटल की परीक्षा नहीं होगी। 9वीं बोर्ड परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों को अगले वर्ष बोर्ड परीक्षा में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, आपका रिजल्ट लॉकडाउन के बाद जारी होगा। क्लास 8 और 9th का रिजल्ट 14 अप्रैल और 20 अप्रैल के बीच किसी भी दिन जारी कर सकता है। आप घबराए नहीं, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। तो इस अपडेट में बस इतना ही। और भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो में पूरा अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।